सीबीज मेजर में बात करी थी इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट ओपन सेट क्लोज सेट के मेजर की। अब उसी के बेस हमारी कुछ थ्योरम्स हैं, तो उसमें सबसे पहली हमारी थ्योरम क्या है, एक्सटीरियर मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीरियर मेजर ऑफ ए, यानी कि एक्सटीरियर मेजर हमारी या तो इंटीरियर मेजर के इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी। तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। हमने कोई भी सेट ए लिया जो कंटेन होता है किसमें, इन ओपन इंटरवल ए बी, तो ये ओपन इंटरवल ए बी में कंटेन होता है। तो इसमें जो हमारा ए बी ओपन इंटरवल है इसमें दो ओपन सेट कंटेन हो रहे हैं जी वन एंड जी टू, जो हमारी कंटेन करते हैं ए को, जी वन तो कंटेन करता है हमारा ए को और जी टू कंटेन करता है ए डैश को। तो हमारा क्योंकि जी वन हमारा इसे कंटेन करता है और हमारी ओपन सेट की मेजर इससे सेट से तो बड़ी होगी क्योंकि ये इसे कंटेन कर रहा है, तो हमारी क्योंकि जी वन किसे कंटेन कर रहा है ए को, जी टू किसे कंटेन कर रहा है ए डैश को, तो मेजर ऑफ अ जी वन ग्रेटर होगी किसके, मेजर ऑफ अ एक्सटीरियर मेजर ऑफ अ ए प्लस एप्साइलन। और हमारी मेजर ऑफ अ जी टू किसके ग्रेटर होगी, मेजर एक्सटीरियर मेजर ऑफ अ ए डैश प्लस एप्साइलन, प्लस एप्साइलन हमने टर्म के बाद ग्रेटर का साइन इसी वजह से लगा है क्योंकि हमारा जो ए सेट है वो किस में कंटेन है, जी वन एंड जी टू में। कैसे, क्योंकि हमारा ए जो कंटेन है वो ए बी इंटरवल में है और ए बी इंटरवल हमारा कंटेन करता है ओपन सेट को, तो उसी की डेफिनेशन हमारी ये दो इक्वेशन बनकर आती है। तो इन्हें ही आगे हम लेके चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारा एवरी पॉइंट ऑफ अ इंटरवल ए प्लस एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन और बी माइनस एप्सिलॉन से मतलब क्या, हमारा इंटरवल क्या है ए कोमा बी, ये क्या ओपन इंटरवल, यानी कि बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। तो हमारे ए प्लस एप्सिलॉन यानी कि ए से कुछ वैल्यू बड़ी वो इस ओपन इंटरवल में होगी, ए तो हमारा ना ए हमारा ओपन इंटरवल में कंटेन होगा ना बी होगा क्योंकि ओपन सेट में हमारे बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। तो हमारा a प्लस एप्साइलन इसमें एग्जिस्ट करेगा और b माइनस एप्साइलन यानी कि b से पीछे वाले क्योंकि b से बड़ी वैल्यू और b हमारा कंटेन नहीं होगा, और a से बड़े वाले हमारे क्या होंगे इसके इंटीरियर पॉइंट। तो यहाँ पे यही बोला गया है, हमने a प्लस एप्साइलन और b माइनस एप्साइलन इसके एक इंटीरियर पॉइंट ले लिए क्योंकि ओपन सेट में बाउंड्री पॉइंट हमारे कंटेन नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते। अब हम इसी को डेफिनेशन को लेके करेंगे क्या, हमने जी इज द सुपर सेट ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन, जी वन और जी टू से मिलके हमारा एक ओपन सेट बनता है जी जो किसी इंटरवल को कंटेन कर रहा है। तो हमारा ये जो जी है उसकी हमारी जो ओपन सेट है वो क्या है, ए प्लस एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन यानी कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट जो हमने पीछे देखा था। तो अब हमने उसके बाद क्या करा, एम जी वन मेजर ऑफ अ जी वन प्लस मेजर ऑफ अ जी टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मेजर ऑफ अ जी, जैसे हमारे मोड फंक्शन में भी होता है प्लस वाली टर्म ग्रेटर या इक्वल होती है जो हमारी कंप्लीट होल प्लस होता है, उसी तरीके से समझ सकते हैं। तो एम जी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू अब मेजर ऑफ अ जी यानी कि मेजर ऑफ अ ओपन सेट निकाल लें हम, तो हमारी वो किसके होती है बी माइनस ए के इक्वल, बी माइनस ए से लेस या इक्वल। हमने यहाँ पे ओपन सेट की डेफिनेशन में देखा था ये ओपन सेट जो हमारा इंटरवल है उसकी जो मेजर है उससे या तो छोटी है उसके इक्वल होती है ओपन सेट की जो मेजर होती है, तो वही वाली डेफिनेशन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ए प्लस एप्साइलन, तो हमने यही करा बी की जगह तो ये हो गया बी माइनस एप्साइलन माइनस ए, ए की जगह क्या हो गया ए प्लस एप्साइलन, तो ये क्या हो गया ये हमारी होगी मेजर ऑफ अ जी। तो हमने इसकी मेजर निकाल ली, मेजर ऑफ अ जी हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी बी माइनस ए माइनस टू एप्साइलन, तो एक तो ये आ गई और ऊपर से हमारी मेजर ऑफ अ जी की वैल्यू क्या है एम जी वन प्लस एम जी टू, तो एम जी वन प्लस एम जी टू की वैल्यू किसके इक्वल लिख लिया हमने, लेस देन हमारी एक्सटीरियर मेजर ऑफ अ ए और एक्सटीरियर मेजर ऑफ अ ए डैश प्लस टू एप्साइलन। ये कहाँ से आया, ये हमारी जो पीछे वाली इक्वेशन थी इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड पे है वो तो हमारा एम जी वन प्लस एम जी टू हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्सटीरियर मेजर ऑफ ए प्लस एक्सटीरियर मेजर
ऑफ ए डैश प्लस टू एप्सिलॉन। तो हमने इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो ये हमारी एक इक्वेशन बन के आ गई। अब इन दोनों की हेल्प से हमने क्या किया, हमारा क्या सोल्व वो किया गया, एम जी इज लेस देन इक्वल टू एम जी वन प्लस एम जी टू इज लेस देन इक्वल टू हमारी इस वाली इक्वेशन से ये। तो हमारा ये वैल्यू किसके इक्वल थी, यहाँ से हमारी एम जी के, तो हमने इसी इक्वेशन की हेल्प से इसे एम जी से लेस और इक्वल लिख लिया और इस इक्वेशन को यहाँ पे कम्प्लीटली लिख लिया। ये हो गया हमारा। अब इससे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हम बीच वाली टर्म को हटा देंगे तो एम जी लेस हो जाएगा, एम जी लेस हो जाएगा इसके एक्सटीरियर मेजर ऑफ ए प्लस एक्सटीरियर मेजर ऑफ ए डैस प्लस टू एप्सिलॉन। ये यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमने यहाँ पर ये निकाला था एम जी की वैल्यू, वो ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे एम जी की जगह पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एम जी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन फोर से, तो हमने यहाँ पे ये पुट कर दी। इसके बाद हमने एम आई ए इक्वल टू क्या आ गया हमारा, अब ये वाली जो हमारी इक्वेशन है बी माइनस ए माइनस एक्सटीरियर मेजर ऑफ ए डैस, ये यदि हम इंटीरियर मेजर वाले फॉर्मूले में देखें तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इंटीरियर मेजर का, ये हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। इंटीरियर मेजर का जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है जो हमने इससे लास्ट वीडियो में देखा था, तो उस वाले फॉर्मूले से इसे लिख देंगे एम आई ए के इक्वल। ये जो हमारी पूरी टर्म है इसे हमने एम आई ए के इक्वल लिख दिया, एम आई ए लेस देन हो गया हमारा एम ई ए प्लस फोर एप्सिलॉन। यही हमें प्रूव करना था, एप्सिलॉन टेंड तो हमारा जीरो करता है, तो हमारी यही हमें प्रूव करना था क्या, कि हमारी जो एम ई ए हमारा बड़ा होगा या इक्वल होगा एम आई ए के, तो ये हमारा एप्सिलॉन की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन हो जाएगा, और हमने जो एम ई ए है वो इधर की तरफ लिख दिया, तो ये हमारी इक्वेशन बन के रह गई। यही हमें प्रूफ करना था।